मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदुस नाम में आप सबको सलाम है। पास्टर फवाद अपने तमाम साइमीन को खुश आमदीद कहता हूँ, मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ और खुदावंत की हम शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर कायम रखा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने मुकाशवा की किताब पर एक तालीमी सिलसिले को जारी कर रखा और अपने पिछले लेक्चर में हमने मुकाशवा 6 बाब में मोहरों का जिक्र किया। हम अपने उसी सिलसिला को जारी रखेंगे और आज हम 7वें बाब की तरफ बढ़ेंगे और आज के सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम मुकाशवा 7 बाब और उसकी पहली 8 आयात को अपने सामने रखेंगे। चंद एक बातें हैं इस चैप्टर के हवाला से जिन पे हम आज गौर करेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है मुकाशवा 7 बाब उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे, इसके बाद मैंने ज़मीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे, वो ज़मीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि ज़मीन या समंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और फरिश्ता को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरक से ऊपर की तरफ आते देखा। उसने उन चारों फरिश्तों से जिन्हें ज़मीन और समंदर को ज़रर पहुंचाने का इख्तियार दिया गया था बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर ना कर लें, जमीन और समंदर और दख्तों को जरर ना पहुंचाना। और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना कि बने इसराइल के सब कबीलों में से 144,000 पर मोहर की गई। 5वीं आयत, यहूदा के कबीले में से 12,000 पर मोहर की गई, रोबन के कबीला में से 12,000, जद के कबीला में से 12,000 और फिर 6वीं आयत, आशर के कबीला में से 12,000, नफ्ताली के कबीला में से 12,000, मुनस्सी के कबीला में से 12,000, 7वीं आयत, शमाउन के कबीला में से 12,000, लावी के कबीला में से 12,000, इश्कार के कबीला में से 12,000 पर, और फिर 8वीं आयत, जबलून के कबीला में से 12,000 पर, यूसुफ के कबीला में से 12,000 पर, और फिर बिन्यामीन के कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। अज़ीज़, जब हम 6वें चैप्टर का मुताला कर रहे थे अपने पिछले लेक्चर में तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तसलसल कायम था। मोहरों के खुलने से मुसलसल रुए ज़मीन पर हालात बदलते जा रहे थे, तरह तरह की सूरत हाल मंजरे आम पर आ रही थी और ऐसा लगता कि 6वें चैप्टर के बाद 7वें चैप्टर में भी वो तसलसल कायम रहेगा, लेकिन हकीकतन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 6वें चैप्टर के अंदर जहां पर 6 मोहरें खुली और मुसलसल मोहरों के खुलने से रुए ज़मीन पर एक वाकयात का तसलसल जारी हो गया, देखने में या समझने में कुछ ऐसा आ रहा था कि शायद हम 7वें चैप्टर में जाएंगे तो 7वीं मोहर खुल जाएगी, लेकिन जब हम 7वें चैप्टर में पहुंचते हैं तो 7वें चैप्टर में हकीकतन 7वीं मोहर नहीं खुलती, बल्कि 7वीं मोहर जाके 8वें चैप्टर में खुलती है। मतलब 7वें चैप्टर का मुताला करने से यह पता चलता है कि 6वें चैप्टर के अंदर मोहरों के खुलने से जो एक तसलसल वाकया था, जो एक रबत कायम था, अब उसमें थोड़ी देर के लिए कुछ ब्रेक आता है और यहां पर कुछ अहम मालूमात थी जो खुदावंद यूहन्ना को देना चाह रहा था। मतलब अभी कुछ अहम काम करना बाकी थे इससे पहले कि 7वीं मोहर को खोला जाता। उस मोहर के खुलने से पहले कुछ ऐसे अहम काम थे जिनका होना निहायत जरूरी था। और यहां पर जब हम 7वें चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं तो याद रखिएगा कि इस पूरे चैप्टर के अंदर 3 ऐसे नुकते हैं जो काबिले गौर हैं। सबसे पहली बात तो यह कि फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि वो हवाओं को थाम ले, उनको रोक ले। दूसरी बात, खुदावंद के जो बरगजीदा हैं उनके ऊपर मोहर की गई और वो एक खास कौम के लोग हैं और उनका खास अदद है 144,000 पर मोहर की गई। और तीसरी बात, एक बड़ी भीड़ जिसका जिक्र यूहन्ना इस चैप्टर के अंदर करता है। हम आज पहले 2 नुक्तों को अपने सामने रखेंगे अपने सेशन में। सबसे पहली बात तो जो फरिश्तों का जिक्र किया गया, फरिश्ते जिन्हें ये अथॉरिटी थी कि वो जमीन की 4 हवाओं को थामे रखे, उन्हें उनके ऊपर अपना कंट्रोल करें। हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि आसमान पर होने वाले काम और खुदावंद की इलाही अदालत की तकमील के लिए जमीन पर होने वाले वाकयात में फरिश्तों का अहम किरदार है। फरिश्ते हमें मुसलसल एक्टिव दिखाई देते हैं,
मगर याद रखिएगा कि ये एक वक्त तक के लिए है, क्योंकि जब हम इब्रानियों के खत का मुतालिया करते हैं तो उसके दूसरे बाब में हमें ये जिक्र मिलता है कि उस आने वाले जहान की बाबत जिसका हम जिक्र करते हैं, उसने उसे फरिश्तों के ताबे ना किया। मतलब ये इब्रानियों के खत का मुसन्निफ इशारा कर रहा है हजार साल बादशाहत की तरफ। हजार साल बादशाहत के अंदर फरिश्ते नहीं बल्कि खुदावंद के लोग, ईमानदार लोग जो है वो एक्टिव नजर आएंगे और उनकी इन्वॉल्वमेंट हमें दिखाई देगी। लेकिन उसके साथ साथ जब हम इन फरिश्तों पर गौर करते हैं, खुदावंद का कलाम बताता है कि इन फरिश्तों ने जमीन के चारों कोनों की हवाओं को थाम रखा था। क्या जमीन के चार कोने होते हैं? मतलब जब हम इस तरह की लैंग्वेज का मुतालिया करते हैं तो बिल्कुल भी गलती ना कीजिएगा, क्योंकि जमीन हम सब जानते हैं चकोर नहीं बल्कि गोल है। और कलाम मुकद्दस खुद इस बात की शहादत हमें देता है, जब हम यसाया की किताब और उसके 40वें बाब का मुतालिया करते हैं, वहां पे खुदावंद खुद नबी की मार्फत हमें यह बताता है कि वो जमीन के मुहित पे बैठा है और मुहित हमेशा गोल चीज का होता है। मतलब कलाम मुकद्दस खुद इस बात की वजाहत कर रही है कि जमीन गोल है। तो फिर जमीन के चार कोनों का जब यहां पर जिक्र किया गया तो इससे क्या मुराद? याद रखिएगा कि हम अपनी आम जुबान के अंदर भी इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जब जमीन के चार कोनों का जिक्र किया जा रहा है, इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि जमीन मुरब्बा की शक्ल में या स्क्वेयर शेप में है, बल्कि इसका इशारा जमीन की उन चार एंगल्स, चार सिमतों की तरफ है, मशरिक मगरिब शिमाल और जनूब। मतलब मशरिक मगरिब और शिमाल और जनूब से आने वाली हवाओं को इन चार फरिश्तों ने रोक रखा है। और हम जब खुदावंद के कलाम का मुतालिया करते हैं तो यहां पर फरिश्ते हमें पूरे इख्तियार में नजर आते हैं। ये इख्तियार फरिश्ते बजाते खुद नहीं रखते, बल्कि ये इख्तियार इन फरिश्तों को दिया गया। जब हम अमूस की किताब का मुतालिया करते तो अमूस नबी ये लिखता है कि देख उसने पहाड़ों को बनाया और हवा को पैदा किया। फिर जबूर नबी, जब हम जबूर 104 का मुतालिया करते वहां पर लिखा हुआ है और खुदा ही है जो हवा के बाजुओं पर सैर करता है। मतलब खुदा ताला की जात ही है जो हर एक चीज पर कादर और हर एक चीज को अपने इख्तियार में किए हुए है। लेकिन यहां पर एक खास काम को अंजाम देने के लिए फरिश्तों को यह अथॉरिटी, यह इख्तियार दिया गया कि वो जमीन के इन चारों सिमतों से आने वाली हवाओं को अपने कंट्रोल में करें। अजीजों, याद रखिएगा कि हवा जानदारों को जिंदा रखने का एक अहम जरिया है। अगर हवा रुक जाए तो क्या परिंदे, क्या हैवान, क्या इंसान, हर वो जानदार जो अपने अंदर जिंदगी रखता है वो मुतासिर होगा। और खुदावंद का कलाम बताता है कि जैसे जैसे अखीर जमाना नजदीक आता जाएगा, मौसम शिद्दत इख्तियार करते जाएंगे। और जिसकी एक तस्वीर हमने अपनी इस सदी में भी देखी कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन के सबब से मौसम जो है वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। ना सिर्फ जो वेदर्स हैं, ना सिर्फ जो मौसम है वो एक्सट्रीम हो रहे हैं, शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, बल्कि एक अजीब सी तब्दीली इन मौसमों के अंदर दिखाई देती है। वो इलाके जहां पर कभी गर्मी का तसव्वुर नहीं था, अब वो शदीद गर्मी का सामना कर रहे हैं। और वो इलाके जहां पर सर्दी महज वक्ती तौर पे दिखाई देती थी, अब उन इलाकों में सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त किया जा रहा है। मतलब जो जो वक्त गुजरता जा रहा है, मौसम के अंदर तब्दीलियां रूनमा हो रही हैं और ये तब्दीलियां एक्सट्रीम किस्म के चेंजेस हैं। और यहां पर खुदावंद का कलाम बताता है कि इन फरिश्तों को यह इख्तियार दिया गया कि ये इन हवाओं को रोक ले। ऐसा लगता है कि जैसे हवाएं तो चलना चाहती हैं, लेकिन इन फरिश्तों ने उन हवाओं को रोक रखा है, क्योंकि अभी कुछ और अहम काम था जिसका वकूम में आना नहायत जरूरी था। खुदावंद का कलाम बताता है कि एक पांचवें फरिश्ते ने, जो कि बाइख्तियार फरिश्ता था, बुलंद आवाज से पुकार कर उन चारों फरिश्तों को रोक दिया कि अभी वो जमीन के रहने वालों को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि अभी खुदावंद के लोगों पर मोहर करना बाकी है। अच्छा, बाज लोगों का ये मानना है कि ये हवाएं, ये तशबीहाती बात की गई है, खुदावंद कभी भी जमीन पर रहने वाले लोगों को इस तरह से तकलीफ नहीं देगा। मगर याद रखिएगा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि रूए जमीन पर
हालात के बदलने में, सूरत हाल के बदलने में खुदावंद ने हवाओं का इस्तेमाल किया। हम जब पुराने अहदनामा में खुरूज की किताब को खोलते हैं तो एक हम देखते हैं कि बनी इसराइल कौम ने जब मुल्क मिस्र से निकलना था और जब उन्होंने बहरे कुलजम को पार करना था तो तब भी खुदावंद ने हवाओं का इस्तेमाल किया और तेज हवा चलाई कि बहरे कुलजम को बीच में से दो हिस्से कर दिया और दाएं और बाएं पानी की बड़ी दीवार को खड़ा कर दिया कि बनी इसराइल कौम उस खुश्क जमीन में से होके गुजर गई। और जब पूरी बनी इसराइल कौम गुजर गई, वो हवाएं जिन्होंने उस पानी को दो हिस्सों में तकसीम किया था, वो हवा थम गई और पानी फिर एक हो गया और मिस्र की सारी फौज उसी पानी में डूब के मर गई। इसके अलावा तारीख में हमें एक और जबरदस्त वाकया मिलता है, दूसरे जंग अजीम में फ्रांस की बंदरगाह डनकर्क के मुकाम पर ब्रिटिश आर्मी का फौजी जत्था जो था वो फंस गया था। अभी किसी भी वक्त उस बंदरगाह पे फ्रांस की आर्मी पहुंचकर उन्हें हलाक कर सकती थी, लेकिन तारीख बताती है कि धुंध इस कदर शदीद थी कि फ्रांस की आर्मी को ब्रिटिश आर्मी के जत्थे वहां पर दिखाई नहीं दिए और उसी धुंध के अंदर ब्रिटिश आर्मी की सारी फौज खैर खैरियत से ब्रिटिश बंदरगाह पे आसानी से पहुंच गई। और जैसे ही वो आर्मी ब्रिटिश बंदरगाह पे पहुंच गई, तारीख बताती कि खुदावंद ने हवा चलाई और वो जब हवा चली तो वो सारी धुंध गायब हो गई और किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो सका। मतलब ये खुदावंद की तरफ से जवाब था बरतानिया के उन ईमानदारों के लिए जो सुबह शाम अपने मुल्क की सलामती, अपनी आर्मी के लिए खुदावंद के हजूर में झुककर दुआएं कर रहे थे। ये खुदावंद ने अपने लोगों को जवाब दिया था। और फिर ऐसे ही एक और वाकया पहले जंग अजीम में हुआ कि जब जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक करना था तो उसने जहरीली गैस से अटैक किया, लेकिन खुदा ने हवा का रुख बदल दिया और वो रुख वापस जर्मनी, वो हवा का रुख जो था वापस जर्मनी की तरफ हो गया और वो जहरीली गैस जो फ्रांस के बशिंदों को खत्म करने, बर्बाद करने के लिए छोड़ी गई थी, उसी जहरीली गैस से जर्मनी को नुकसान उठाना पड़ा और उस जंग के हालात, उसकी सूरत हाल बदल गई। मतलब माजी में, तारीख में भी खुदावन जो है हवाओं को रोककर या हवाओं को चलाकर हालात को बदलता आया। तो मुस्तकबिल करीब में भी खुदावन का कलाम यह बताता है कि उसने चार फरिश्तों को यह अथॉरिटी दी कि वो मशरक, मगरब, शमाल, जनूब से चलने वाली हवाओं को थाम ले, उनको रोक ले। जब आप दूसरी आयत की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर हमारी मुलाकात एक पांचवें फरिश्ते से होती है। यह फरिश्ता मशरिक से आता है और बुलंद आवाज से उन चारों फरिश्तों को ऑर्डर करता है कि स्टॉप, अभी रुक जाओ, अभी जमीन और समुंदर और दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाना, जरा ना पहुंचाना। हम जब दूसरी एक तरफ बढ़ते तो यहां हमारी मुलाकात एक पांचवें फरिश्ते से होती है और यह पांचवा फरिश्ता बाइख्तियार फरिश्ता है। अच्छा, इस फरिश्ते की बाबत तीन ऐसे नुक्ते हैं जो यहां पर बयान किए गए, मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहली बात तो यह फरिश्ता मशरिक से ऊपर को आया। दूसरी बात, इस फरिश्ते के पास मोहर है, इसको मोहर दी गई कि जो खुदावंद के लोगों पर इसने लगानी है। और तीसरी बात, यह फरिश्ता बाकी फरिश्तों से ज्यादा इख्तियार वाला है क्योंकि जैसे ही इसने बुलंद आवाज से पुकार कर उनको रुकने के लिए कहा, वो सब के सब रुक गए, उन सब ने इसकी हदायत को फॉलो किया, इसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। अच्छा, पहली बात, कुछ लोगों का यह कहना कि चूंकि यह फरिश्ता मशरिक से आ रहा है इसलिए यह खुदावंद यीशु मसीह है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसी गलती हरगिज ना कीजिएगा। हाँ, अगरचे ये फरिश्ता मशरिक से ऊपर आ रहा है लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि ये खुदावंद यीशु मसीह है। दूसरी बात, इस फरिश्ते के पास मोहर है और मोहर जो है वो इख्तियार और मलकियत को जाहिर करता है। मतलब जिस तरह से अबलीस के लोगों पर मोहर की गई, वैसे ही खुदावंद के लोगों पर भी मोहर की गई है। और ये फरिश्ता जो है गैर कौम वालों और बुत प्रस्त लोगों के सामने जिंदा खुदा का नुमाइंदा है, ये जिंदा खुदा की नुमाइंदगी कर रहा है यहां पे। और तीसरी बात, ये फरिश्ता बाइख्तियार फरिश्ता है, ये बाकी फरिश्तों से ज्यादा जोरावर है क्योंकि जब ये बुलंद आवाज से पुकार कर उन्हें हुक्म करता है, कमांड करता है, तो वो सब इसकी बात को फॉलो करते हैं, इसकी बात को मानते हैं। जब हम तीसरी तरफ बढ़ते हैं
तो हम देखते हैं कि किस तरह से पांचवा फरिश्ता जो कि बाइख्तियार फरिश्ता है और उसने बुलंद आवाज से पुकार कर उन चारों फरिश्तों को जिन्होंने मशरिक मगरिब शुमाल और जनूब से आने वाली हवाओं को रोक रखा था, इसने हुक्म देकर उन्हें रोका कि जब तक जमीन पर खुदा के बंदों के माथों पर मोहर ना कर दी जाए, अरे तब तक वो ना तो दरख्तों को नुकसान पहुंचाए ना पानियों को नुकसान पहुंचाए। इसका मतलब कि जलाली कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद रैप्चर के बाद भी रुए जमीन पर खुदावंद को मानने वाले लोग मौजूद होंगे, खुदावंद के मुंतजर मौजूद होंगे जिनके माथों पर मोहर की जाएगी इससे पहले के सातवीं मोहर को खोला जाए। यह एक बड़ा ही अहम काम था जो खुदावंद ने फरिश्ते को मोहर देके भेजा कि इससे पहले सातवीं मोहर खुले वो खुदावंद के बंदों के माथों पर मोहर कर दे, उन्हें इस जहाद से अलग कर दे। और याद रखिएगा कि खुदावंद ने कभी भी किसी भी दौर में अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ा, अगर चाहे वो मुश्किल वक्त होगा, अगर चाहे वो एजा रसाई का दौर होगा, लेकिन उसके बावजूद रुए जमीन पर खुदावंद के नाम की गवाही देने वाले लोग मौजूद होंगे, क्योंकि तीसरी आयत इस बात को अया करती है कि इससे पहले के रुए जमीन पर हालात और बिगड़ते खुदावंद ने अपने लोगों को अलग किया। और याद रखिएगा कि खुदावंद का अंदाज ही कुछ ऐसा है, उसका स्टाइल ही कुछ ऐसा है। हम जब हिजकिय्येल की किताब और उसका नौवां बाब पढ़ते हैं, खुदावंद ने जब यरूशलेम की बर्बादी के लिए 6 फरिश्तों को भेजा तो खुदावंद का कलाम यह बताता है हिजकिय्येल नौवां बाब पे कि उस मर्द ने जो कितानी लिबास पहने था खुदा के लोगों की पेशानी पर मोहर कर दी, इससे पहले के बर्बाद किया जाए खुदावंद के लोगों के माथे पर मोहर करके उनको अलग कर लिया जाए ताकि इलाही अदालत के सबब से खुदावंद के लोग जो है वो महफूज रहे, क्योंकि इलाही अदालत जो है वो खुदावंद के मरगजीदों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जिन्होंने खुदावंद और खुदा के बेऐब बर्रे का इनकार किया है। हम जब गौर करते हैं, इस तीसरी आयत के ऊपर, यहां पर मोहर का जिक्र है, सवाल पैदा होता है कि ये मोहर कैसी है। इफ़सियों का खत उसका पहला बाप उसकी 13-14 आयत को अपने सामने रखिए तो पता चल जाएगा कि ये किस किस्म की स्टैंप है, किस किस्म की मोहर है। खुदावंद का कलाम ये बताता है और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम हक को सुना जो तुम्हारी निजात की खुशखबरी के लिए है और उस पर ईमान लाए तो पाक मौदा रूह की मोहर लग गई, पाक रूह की स्टैंप लग गई। मतलब ये जो मोहर लगाई जा रही है ये पाक रूह की मोहर है और ये मोहर इनविजिबल है। और याद रखिएगा कि आसमानी बाप ने अपने बेटे यीशु पर भी इसी मोहर को सबत किया। जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 6:27 आयत पढ़ते वहां पर लिखा है फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जैसे इब्ने आदम जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। मतलब ये वो मोहर है जो बाप ने अपने बेटे यीशु पर की और यही मोहर अब वही आसमानी बाप फिर अपने उन बरगजीदा बेटे बेटियों पर भी करेगा जो एजा रसाई के दौर में रुए जमीन पर उसके नाम की गवाही देंगे। ये एक पोशीदा मोहर होगी जो जाहिरी आंख से नजर नहीं आएगी लेकिन हर एक निजात याफ्ता शख्स के माथे पर पाक रूह की ये मोहर सबत कर दी जाएगी ताकि वो जहान से अलग किए जाएं। उस एजा रसाई के दौर में अगरचे खुदावंद के लोग तरह तरह की तकलीफों और आजमाइशों का सामना करेंगे, मौसम की शिद्दत उनके ऊपर होगी, हालात बिगड़ती हुई सूरत हाल उनके सामने होगी, यह मुमकिन है कि शायद हवालात में भी बंद किए जाए, तरह तरह से सताए जाए, लेकिन खुशी की बात यह है कि वो बदलते हुए हालात, वो बदलती हुई सूरत हाल, वो तकलीफ दे माहौल उनकी उनके लिए जानलेवा साबित ना होगा, क्योंकि खुदावंद अपना कवि हाथ बढ़ाकर हर तरह की सूरत हाल में अपने बरगजीदों को महफूज रखेगा। और फिर यही लोग जिनके माथों पर मोहर की गई, हम जब मुकाशवा 14 पढ़ते हैं वहां पर यही लोग सयोन के पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमें दिखाई देते हैं, वहां पर ये गवाह मसीह यीशु की हजूरी में उसके साथ खड़े हुए नजर आते हैं। हालेलुया।
जब हम चौथी आयत की तरफ बढ़ते हैं तो चौथी आयत में लिखा है, और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इसराइल कौम में से सब कबीलों में से 144,000 पर मोहर की गई। इस चौथी आयत में दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो जो शुमार यूहन्ना ने सुना 144,000 का है, और दूसरी बात ये 144,000 बनी इसराइल कौम में से है। अच्छा, याद रखिएगा कि कुछ लोगों का यह मानना है कि मुखालफ मसीह के दौर में जब वो इस दुनिया पर अपना इख्तदार अपने इख्तियार को जमाएगा और सब कुछ हर एक चीज को अपने कंट्रोल में कर लेगा, तो उसके दौरे हुकूमत में ना तो रूए जमीन पर प्रचार होगा, ना मुनादी होगी, ना लोग निजात पाएंगे, ना सोचे बदलेंगी, ना दिल बदलेंगे। बाज लोगों का यह मानना है, लेकिन याद रखिएगा कि इब्लीस भी यही चाहता है कि उसके दौरे हुकूमत में लोगों की ना सोचे बदले, ना दिल बदले, ना लोग निजात पाए। लेकिन हकीकत यह नहीं है कि खुदावंद का कलाम हमें यह बताता है कि एजा रसाई के दौर में भी खुदावंद अपने लोगों को खड़ा करेगा जो हर तरह के हालात का दलेरी से सामना करेंगे, और खुदावंद उनको नेमत और बरकतों से भरेगा और उनके वसीला से अपनी कुदरत को लोगों में जाहिर करेगा ताकि लोग आखिरी वक्त में भी निजात पा सके। अगली बात, 144,000 के अदद को लेके बाज लोगों का ये मानना है कि ये कोई डिवाइन फिगर है, इसका मतलब कुछ और है, ये एक्चुअल में 144,000 लोग अलग नहीं किए जाएंगे। और मैं हैरान हूं कि क्यों इस बात को एज इट इज लेना लोगों के लिए मुश्किल है। खुदावंद ने एग्जैक्ट फिगर बताया, इस एग्जैक्ट फिगर को एग्जैक्टली इस तरह से रिसीव करना क्यों दुश्वार है। हम जब पुराने अहदनामे का मुतालिया करते हैं तो वहां पर भी खुदावंद ने एलिया के ऊपर यह जाहिर किया कि तू अकेला नहीं बचा, बल्कि अभी 7,000 और लोग भी ऐसे हैं जो मेरी गवाही देते हैं। मतलब वहां पर भी खुदावंद ने एग्जैक्ट फिगर बताया। तो जब खुदावंद मुकाशवा की किताब में 144,000 का एग्जैक्ट फिगर बता रहा है, तो फिर क्यों उन लोगों को यह बात एज इट इज कबूल करना दुश्वार है। ये 144,000 लोग बनी इसराइल कौम में से हैं, मतलब बनी इसराइल कौम के 12 कबीले और हर कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई। अगरचे आज हमारी नजर से ये 12 कबीले ओझल हैं, हम नहीं जानते कि वो कहां कहां पर है, लेकिन वो खुदावंद की नजर से ओझल नहीं है, क्योंकि वो वक्त आएगा जब खुदावंद बनी इसराइल कौम के इन 12 कबीलों में से 144,000 पर मोहर करेगा। मतलब हर कबीले में से 12,000 को अलग कर लिया जाएगा, और ये वो लोग हैं जो हर तरह के मुश्किल हालात मुश्किल वक्त में भी खुदावंद का नाम लेने से नहीं घबराएंगे, बल्कि खुदावंद इनके वसीला से गैर कौमों में बुतप्रस्त लोगों में अपने जलाल को जाहिर करेगा, अपनी कुदरत को जाहिर करेगा। आमीन। याद रखिएगा कि कुछ बिदती फिरके भी हैं जैसे मॉर्मन्स या यहोवा विटनेस वाले। अच्छा, उनका मानना यह है कि 144,000 का जो यहां पर जिक्र किया गया, अभी जैसे यहोवा विटनेस वाले हैं, तो वो कहते हैं कि ये 144,000 जो लोग हैं ये यहोवा के गवाह हैं, ये यहोवा विटनेस वाले हैं। वैसे ही मॉर्मन्स जो है वो ये कहते हैं कि ये 144,000 जो है ये मॉर्मन एल्डर्स हैं, ये उनके बुजुर्ग हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये दोनों ही रॉन्ग है, ये दोनों ही गलत है, क्योंकि ये 144,000 ना तो ये यहोवा विटनेस वाले हैं और ना ये मॉर्मन एल्डर्स हैं, उनके बुजुर्ग हैं। खुदावंद का कलाम यहां वाज़ेह अल्फाज में कहता है कि ये 144,000 पर मोहर की गई जो बनी इसराइल कौम के सब कबीलों में से है। ये बनी इसराइल कौम के कबीलों में से है, हर कबीले में से 12,000। और जब हम पांचवीं आयत की तरफ बढ़ते हैं तो पांचवीं आयत में फहरिस्त दी गई है। आप गौर कीजिएगा, पांचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं, ये चार आयत उन कबीलों की फहरिस्त बयान करते हैं। पांचवीं आयत के अंदर यहूदा के कबीले में से रोबन और जद के कबीले में से, फिर छठी आयत में आशर, नफ्ताली और मुनस्सी के कबीले में से, सातवीं आयत शमाउन, लावी, अश्कार के कबीले में से, और फिर आठवीं आयत में जबलून, यूसुफ और बिन्यामीन के कबीले में से। मतलब ये वो फहरिस्त पेश की गई है, ये वो लिस्ट बयान की गई है जिस लिस्ट में से 144,000 को अलग कर लिया जाएगा। अच्छा, याद रखिएगा कि बनी इसराइल कौम के 12 कबीलों की फहरिस्त ये कुल मिला के 29 दफा बाइबल के अंदर आई है, जिसमें से 28 दफा पुराने अहदनामे में पेश की गई और एक दफा नए अहदनामे में पेश की गई, जिसका जिक्र अभी हमने किया, मुकाशवा 7 बाब 5, 6, 7 और 8 आयत।
लेकिन इन दोनों जगह पे जो फरिश्ते पेश की गई, मतलब पुराना आयतनामा और नया आयतनामा, इसमें एक थोड़ा सा फर्क है। जब हम पुराने अहदनामे की फहरिस्त का मुतालिया करते हैं तो वहां पर सबसे पहले रोबन का जिक्र किया गया, क्योंकि रोबन भाइयों में सबसे बड़ा था। लेकिन जब हम नए अहदनामे की फहरिस्त का मुतालिया करते हैं तो सबसे पहले रोबन का नहीं, बल्कि सबसे पहले यहां पर यहूदा का जिक्र किया गया। उसकी वजह यह है कि यहूदा को बादशाहत सौंपी गई थी, और फिर यहूदा के कबीले में से ही यहूदा का बब्बर यानी मसीह यीशु नासरी आया था। इस एतबार से यहूदा का कबीला फहरिस्त में फजीलत ले गया, वो पहले नंबर पे आ गया, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह इस कबीला में से आए। हालेलुया। अच्छा, उसके साथ साथ एक दो चेंजेस और भी हमें इस फहरिस्त में दिखाई देते हैं। मिसाल के तौर पे जब हम पुराने अहदनामे की फहरिस्त पे गौर करते हैं तो वहां पर हमें इफ्राइम का भी जिक्र मिलता है और दान का भी जिक्र मिलता है, लेकिन नए अहदनामे की फहरिस्त में जो कि मुकाशवा 7 बाब में है, यहां पर इफ्राइम और दान ये दोनों ही फहरिस्त में से खारिज कर दिए गए हैं। इफ्राइम की जगह यूसुफ का जिक्र मिलता है और दान की जगह हमें लावी का जिक्र मिलता है। इफ्राइम और दान का खारिज कर देने का मकसद शायद यह है कि ये दो कबीले ऐसे थे जो बुत परस्ती में पड़ गए और उन्होंने बाकी कौम के लोगों को भी बुत परस्ती की तरफ मायल करने की कोशिश की। शायद ये सबब जिसकी वजह से नए अहदनामा में जब बरगजीतों के माथों पे मोहर करनी थी तो उस फहरिस्त में ना तो हमें इफ्राइम मिलता है और ना हमें दान मिलता है। मगर याद रखिएगा कि आसमान की बादशाही में खुदावंद इफ्राइम और दान को नहीं भूला। मतलब जब हम हिस्कियल की किताब खोलते हैं और हिस्कियल की किताब और उसके 47 और 48वें बाब के अंदर जहां पर आसमान की बादशाही में बसने वाले लोग और उनकी फहरिस्त और वहां पर फिर बनी इसराइल कौम के कबीलों की डिटेल्स बयान की गई है, उस फहरिस्त के अंदर हमें दान का भी जिक्र मिलता है और इफ्राइम का भी जिक्र मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगरचे मोहर करने वाले लोगों की फहरिस्त में इफ्राइम और दान का जिक्र नहीं, लेकिन खुदावंद उन्हें हरगिज नहीं भूला, क्योंकि आसमान की बादशाही में फिर भी खुदावंद ने उनको याद रखा। आमीन। ये बड़ी खुशी की बात है कि वो वादे, वो अहद जो खुदावंद ने इब्राहिम से किए और दाऊद से किए, वो वादे वो अहद ना तो खुदावंद कभी भूला और ना वो कभी भूलेगा। आमीन। अभी तो हम ऐसे ही अपने इस तालीमी सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन मैं आपको याद दिलाता चलूं कि आप अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस, अपने आइडियाज नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें देते रहिए। नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे राबता कर सकते हैं, आप हमें ईमेल सेंड कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।